मेरा नाम तलश्रव जिया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी आप लोगों की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी है फॉर एमडी कैट, जिसको मैंने भी फॉलो किया था और मेरा ख्याल है कि जिसको फॉलो करते हुए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट देयर एडमिशन और आप लोग भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। मेरे नजदीक एमडी कैट की जो स्ट्रेटजी है ना, वो तीन चीजों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। नंबर वन इज योर प्रेपरेशन, नंबर टू इज प्रैक्टिस, एंड नंबर थ्री इज इवेल्युएशन। अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि इन तीन फैक्टर्स को एक स्टूडेंट ने किस तरह से लेकर चलना होता है, इनको मद्देनजर रखते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करके अल्टीमेटली अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं और अपने ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एडमिशन भी हासिल करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है, दैट इज प्रेपरेशन। प्रेपरेशन क्या होता है कि आपके पास डिफाइंड सिलेबस है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, आपने उनको यूज करते हुए सबसे पहले आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, आपने अपनी नॉलेज को डेवलप करना है। आपके पास सिलेबस जब आता है, आप लोगों ने एफएससी के एग्जाम्स दिए, आप लोगों का एमडी कैट का एग्जाम जो है वो एफएससी के सिलेबस के अंदर से ही होता है, एंड आप लोगों का जो सिलेबस होता है एमडी कैट का, दैट इज सिलेक्टिव और कंसाइज होता है एज कम्पेयर टू आपके एफएससी फर्स्ट या सेकेंड ईयर का जो कंबाइंड सिलेबस बनता है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको फॉलो करना है, सिलेबस को सामने रखना है और आपने जो जो चीजें उस सिलेबस के अंदर मेंशन है आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है। आपने वो बुक्स, आपकी जो बोर्ड की बुक्स हैं, आपने जो एफएससी में पढ़ी है, आपने उनको पढ़ना है, आपने उनको जो है रीड करना है, हाईलाइट करना है, शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, जो भी आपको एक अपने हिसाब से बेहतर तरीका लगता है। आपने पहले प्रिपरेशन करनी है, आपने पहले नॉलेज बिल्ड करनी है, आपने पहले जो कुछ आपको बताया हुआ है, जो कुछ आपको आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आपने वो सीखना है, आपने वो समझना है। इसमें भी दो फैक्टर्स आ जाते हैं। एक होता है कि आपने एक तो उन चीजों को बार बार पढ़ना है ताकि एक तरह से आपकी नॉलेज इंक्रीज हो और जिसको हम कहते हैं ना कि हल्का हल्का सा रट्टा तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता हो कि बुक के अंदर लिखा क्या हुआ है। तो आप जब एक चीज को बार बार पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके जहन में बैठ जाती है, और इसी तरह अगर आप कल को आपके एग्जाम में कोई बुक की लाइन आ जाती है एज इट इज, तो आपको पता होगा कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है। दूसरा तरीका आ जाता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपको पता हो कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और उसके बारे में सारी आपको डिटेल हो, आपको पता हो कि भाई एक चीज हो रही है, इसका सारा मैकेनिज्म क्या है। आसान अल्फाज में ये बताऊं तो कि अगर आप कोई चीज इंग्लिश में पढ़ते हैं अपनी बुक के अंदर, अगर आप एक लेमैन को, एक आम आदमी को वही सब कुछ उर्दू में समझा सकें, उसको कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो आप लोगों ने दो चीजों पे फोकस करना तो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, एक आपकी नॉलेज जो आप बार बार पढ़ेंगे, एक तो जब आप पहली दफा पढ़ रहे हैं तब भी आप बार बार पढ़ें, और वैसे भी जब आप थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर एमडी कैट प्रिपरेशन आप चीजों को बार बार पढ़ते हैं, पहले सिंपल प्रेप में पढ़ेंगे, फिर रिविजन्स के दौरान पढ़ेंगे, टेस्ट सेशन के दौरान पढ़ेंगे, तो वो सब कुछ आपकी प्रिपरेशन में आता है। प्रिपरेशन में आपकी इन बुक्स के अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होते हैं वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स अगेन आप जो है वो किसी अकेडमी से लें, ऑनलाइन लें, किसी दूसरे रिसोर्स से यूज करना चाहते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में लेक्चर्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो बुक की लाइंस जो है पढ़ते पढ़ते वो मोनोटोनस ही हो जाती हैं और उनको जो है ग्रास्प करना मुश्किल होता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो बुक से क्लैरिफाई नहीं हो रहे होते, वो आपके जो टीचर्स होते हैं जो वीडियो लेक्चर्स डिलीवर करते हैं उसमें बहुत अच्छे से उसको क्लैरिफाई कर दिया जाता है। तो आप लोगों का जो पहला स्टेप है वो तो होता है आप लोगों की प्रिपरेशन। दूसरा जो स्टेप आप लोगों का आता है वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है ना आप लोगों का मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं एमडी कैट के अंदर। अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से बताना चाहूं तो मेरे नजदीक 30% इज योर नॉलेज, 70% इज योर प्रैक्टिस व्हेन इट कम्स टू योर एमडी कैट प्रिपरेशन। प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होती है एमडी कैट के अंदर। प्रैक्टिस जब तक आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग अपनी नॉलेज को टेस्ट नहीं कर सकेंगे, आप लोग अपनी रिवीजन को प्रॉपर नहीं कर सकेंगे, आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स का आइडिया नहीं होगा, आप उन शॉर्टकमिंग्स पे काम नहीं कर सकते, आपको आपके वीक टॉपिक्स, आपको आपके वीक कॉन्सेप्ट्स का पता नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आपको लगेगा कि आपने वो सब कुछ कर लिया, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि एमडी कैट इज प्राइमरीली द टेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन। आपने जो कोई नॉलेज हासिल की है सिर्फ उस नॉलेज को हासिल नहीं करना, उसको अप्लाई करना है। आपको सिचुएशंस दी जाएंगी, आपको कंडीशंस दी जाएंगी, आपको न्यू और अनसीन किस्म के एमसीक्यूज दिए जाएंगे कि यार एक
ये कंडीशन है, इसमें ये वैल्यूज हैं, अब इसको फलां फॉर्मूला में पुट करो। ये उस तरह नहीं होगा जिस तरह एफएससी में होता है कि जी एक्सरसाइज के एंड पे जो एमसी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एज इट इज उठ के आ जाएंगे और आपने अगर उनका रट्टा मारा हुआ है, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो आप उसको कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस अब दो तरीकों से आपने करनी होती है। पहला तरीका होता है कि जब आपने लेक्चर ले लिया, आपने बुक से पढ़ लिया, उसके बाद आपने करनी होती है कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल, कोई सा भी रिसोर्स आप यूज कर लें उसमें आपने करनी है प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस आप लोगों ने जब कर ली एक दफा, उसके बाद आप लोगों ने उसका सॉल्व करना होता है कोई टेस्ट। टेस्ट में आप लोगों ने फिर देखना होता है कि आपको गिवन टाइम में जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे टाइम मैनेज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, क्या आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चार स्टेप्स होते हैं, लेक्चर लेना, बुक को रीड करना, उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना किसी भी रिसोर्स से, और उसके बाद जो है आपका टेस्ट देना। इसके बाद जो फाइनल जो चीज आ जाती है आपकी एमडीकेट स्ट्रेटजी के अंदर, दैट इज योर इवैल्यूएशन। और मेरे नजदीक इवैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत से बच्चे हमें ये कहते हैं कि भाई हमने जब शुरू में टेस्ट देना शुरू किए थे तो हमारे बहुत एमसीक्यूज गलत हुआ करते थे, लेकिन अब हमारा सेशन एंड पे आ रहा है, अभी तक हमसे वो गलतियां हो रही हैं। ये इस वजह से होती है क्योंकि हम लोग जब गलतियां करते हैं तो हम उनको एवेल्युएट नहीं करते। आपने जब प्रैक्टिस बुक की, जब आपने कोई प्रैक्टिस रिसोर्स को यूज किया, जब आपने टेस्ट वगैरह दिए, सिर्फ ये एम नहीं होता कि आपने वो टेस्ट दिया और बस भूल गए कि जी अच्छा मेरे इतने नंबर आ गए और बस अल्लाह खैर सला। आपने इवेल्युएट करना है कि अगर आपके एमसीक्यूज गलत हुए तो वो क्यों हुए, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक था, आपने कौन सी चीज जो है बुक में पढ़ते हुए स्किप कर दी, आपने कौन सी चीज जो उसको फोकस करके नहीं पढ़ा, कितनी केयरलेस मिस्टेक्स हुई, कितनी मिस्टेक्स आपकी इस वजह से हुई कि आपके पास टाइम की मैनेजमेंट नहीं हो सकी, आपने प्रॉपर तरह से बुक को नहीं पढ़ा था। ये सारा कुछ आपने इवेल्युएट करना होता है एंड पे, और आपने इन्हीं जो आपकी गलतियां हैं इन्हीं को आपने वैल्यूएट करना है, इन्हीं को आपने बार बार देखना है, और ये वही गलतियां हैं जो आपने अपने एग्जाम वाले दिन जिनको अवॉइड करना होता है। तो ये मेरे नजदीक सबसे बेहतरीन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है फॉर एमडी कैट स्टूडेंट्स। सबसे पहले प्रिपेयर किया, बहुत सी उसकी प्रैक्टिस की, और एंड पे आके आपने इवेल्युएट किया। अब ऑल्दो आपको आपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे रिसोर्सेज और बहुत से ऐसे मटेरियल मिल जाएगा जिसमें ये सब चीजें कवर हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे रिसोर्स बताऊं जो मेरे नजदीक कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आप लोगों के लिए ज्यादा कन्वीनियंट भी है, और मेरे नजदीक उसमें क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि वो ऐप मैंने खुद भी यूज की है। ऐप का नाम है मकसद, आप लोग उसको डाउनलोड करें। उस पे आपको मिलेंगे 10,000 प्लस एमसीक्यूज विद देयर वीडियो सॉल्यूशंस, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के आपको उस पे बड़े इंटरैक्टिव और मजेदार किस्म के वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, आप उसकी तस्वीर खींचे और डाउट सॉल्व के जरिए वो जो क्वेश्चन होगा उसका आपको आंसर मिल जाएगा। ये सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज। डॉक्टर हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज करने पे आप लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। बंडल के एक्चुअल प्राइस 10,000 और हमारे जितने भी जूनियर्स हैं उनको मिलेगा ये 5,000। आप लोग इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इसका फ्री ट्रायल यूज करें, और अगर आपको ये ऐप वाकई यूजफुल लगती है तो आप इसको लाजमी यूज करें। मेरे नजदीक जो एमडी कैट की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई है ये ऐप उस पर पूरा उतरती है, और मुझे पक्की उम्मीद है कि अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई तो इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि वो आपको भी कामयाब करें, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी सवाल हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।